अब तक आपने देखा? ऐसे बहुत दिनों के बाद इतना दिलचस्प केस आया है हमारे हाथ में। कभी मिलना चाहेंगे तुम्हारे मालिक से हम? आज तक हमने भी उनको नहीं देखा, हमारे लिए भी बस वो एक आवाज है। जाओ उन तक हमारी भी आवाज पहुंचा दो। हमने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। सखी, नाश्ता तो खत्म कर ले। बातों से पेट भर गया दादू। कौन सा राज है आदर्श भैया का जो उन्हें अपने परिवार से इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है? ये कौन आया है इस वक्त? हम देखते हैं। कन्हैया, कहीं माँ को भावना के बारे में मालूम तो नहीं पड़ गया? अब देखिए आगे। भावना, एक मिनट, दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? दरवाजा खोलो, हमने कहा दरवाजा खोलो। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ दो। हर हालत में लड़की को खत्म करना है, तोड़ो दरवाजा। मैं यहां से भागना होगा, चलो आ जाओ। और जोर से। आप छोड़िए, इसे अपनी जान बचाइए पहले। अरे वही कर रहे हैं हम। और जोर से। देखो लड़की को, दरवाजा भी खुला है। दादा तुम नहीं, चलो चलो। चलिए भाभी, हमें देर हो रही है, घर भैया के साथ बाजार भी जाना है। भाभी, हम गर्भ ठाकुर के बारे में ही सोच रहे थे, उनका बर्ताव हमें को समझ में नहीं आ रहा है। सोचे कि हमें उनके साथ जाना चाहिए भाभी, क्योंकि हमने उस एड्रेस के बारे में कुछ पता लगाया है। क्या? यही कि आदर्श भैया अपना हर काम एक ही कुरियर वाले से करवाते हैं, तो अब हमें उससे पर्सनली मिलना पड़ेगा। क्योंकि भाभी, वो जो कुरियर वाला है ना, वो हमारी स्कूल फ्रेंड रश्मि का हस्बैंड है, तो उसने हमारी मदद करने के लिए भी हाँ कर दी। पर गर्भ ठाकुर हमारे साथ होंगे ना? इसका भी तोड़ है हमारे पास, आप चलिए तो सही। ये हमें आप कहाँ ले आए आदर्श? रुक, कौन से? हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ है ना? हाँ, और रोना बंद करो, तुम्हारी आवाज अगर बाहर तक पहुंच गई ना, तो वो हम तक पहुंच जाएंगे। ये लोग हमारे माँ के लिए काम करते हैं, उनके बोलने से तुम्हें मारने के लिए आए। हमें? आदर्श, कहीं आपकी माँ को पता तो नहीं चल गया कि आप और हम? फिलहाल हम ये सब नहीं जानते, हमें घर जाना होगा और पता करना होगा। और हम तब तक तुम यहीं पर, इस वेयर हाउस में, तुम यहाँ पर सेफ, समझ रही हो? चारों तरफ ढूंढो। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, लगता है दोनों उस तरफ गए। ठीक है, चलो। भावना, तुम यहीं पर रुको, हम घर से होकर आते हैं। नहीं आदर्श, हमें अकेला छोड़ के मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज आदर्श। भावना, डरो मत,
हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। एक बार हमको घर जाने दो और पता करने दो कि आखिर मामला क्या। अगर हम घर नहीं गए ना तो तुम पर खतरा बना रहेगा। अपना ख्याल रखना, जल्दी आना प्लीज। भैया आप एक काम कीजिए ना, आप भाभी को शॉपिंग करा लीजिए। वो क्या है ना, हमें एमए के कोर्स की किताब लाइब्रेरी से इशू करानी है, तो हम आप लोगों को थोड़ी देर में यहीं मिलते हैं, ठीक है? लो आ गया दीवाना, चल कर करते हैं नाटक शुरू। दीवाने की दीवानगी मिटानी पड़ेगी। हाँ बोलिए ना, क्या कह रही थी आप? हवेली से यहाँ तक गर्व ठाकुर चुप थे, अब अचानक से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। आखिर ये चाहते क्या है? क्या हुआ, आपको हमारा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा क्या? हमने तो सुना था लड़कियों को ऐसे हाथ पकड़ना बहुत रोमांटिक लगता है, और वैसे भी हम तो आपके पति हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या ना, वो दरअसल कंगन चुभ रहा था हमें, इसलिए। देखें तो चुभ गई ना, ये देखिए इसका लॉक तो टूटा हुआ है। आपका हाथ भी दब गया होगा ना? अभी दर्द हो रहा है? वैसे ये टूटा कैसे? पता नहीं, वो कोई बात नहीं, शायद काम करते हुए टूट गया होगा। एक काम करते हैं, आपको नए कड़े खरीद देते हैं, आइए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, ठाकुर खानदान की बहू ये टूटा हुआ कड़ा पहन के घूमेगी, शोभा नहीं देता। वैसे भी शादी के बाद हमने आपको कोई गिफ्ट भी तो नहीं दिया, तो ये कड़े एक पति की तरफ से एक पत्नी के लिए गिफ्ट। ये देखिए, आदर्श ठाकुर हर महीने इसी एड्रेस पर एक पार्सल भेजते हैं। लेकिन उस पार्सल में होता क्या है? ये सब हम अपने कस्टमर से नहीं पूछ सकते। वो तो आप रश्मि की फ्रेंड है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वैसे भी अगर आदर्श भैया को पता चल गया तो वो हमें। आदर्श भैया को कुछ पता नहीं चलेगा, हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन अगर आप हमें ये बता देते कि वो पार्सल में क्या भेजते हैं तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। एक बार उनके पार्सल का डब्बा गलती से खुल गया था, तो उसमें हमने कुछ साड़ियाँ, गहने
और जूते देखे थे। साड़ियाँ? इसका मतलब आदर्श भैया किसी लड़की को गिफ्ट भेजते हैं। कहीं उन्हें मैसेज करने वाली उनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? रमेश भैया, आप हमें और कुछ बता सकते हैं? कोई खास बात जो याद है आपको? एक मिनट, एक बार उन्होंने पार्सल में कुछ फोटो फ्रेम्स भेजे थे, पर डब्बा भर जाने से उन्होंने एक फोटो फ्रेम निकाल दी थी, लेकिन गलती से आदर्श ठाकुर वो फोटो फ्रेम हमारे शॉप पे ही भूल गए। ये औरत आदर्श भैया की पत्नी है? हाँ कन्हैया, बोलो, हो गया काम? जी जी, वो गलती से हमारे हाथ से शिकार निकल गया। क्या साला, तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता है? माफ कीजिएगा माँ ठाकुरायन, हम आपसे बाधा करते हैं, एक मौका हमको दे दीजिए, हम अब की बार ढूंढ लेंगे। दोनों जरूरत नहीं है। अब तुम कुछ मत करना, अब हम अपना बेटा लोगों को बोलेंगे, अब वही इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, समझे? चलो बेगूसराय वापस जाना है। इतना बड़ा राज आदर्श भैया ने हम सबसे छुपाया क्यों? शायद जिस तरह हमने भागकर बिंदिया माँ के खिलाफ जाकर अपनी शादी की, कहीं आदर्श भैया ने भी तो। और अगर बिंदिया माँ को ये बात पता चल गई तो वो तो इस बेचारे की जान ले लेंगी। बहुत देर हो गई दीदी, किसी को शक होने से पहले आपको यहाँ से लौट जाना चाहिए। बस एक मिनट, बस एक मिनट। लाओ अपना हाथ दो। क्या हुआ, कंगन पसंद नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लाओ। चलो हम खुद ही पहना देते हैं, अब तो पकड़ सकते हैं ना तुम्हारा हाथ। बर्दाश्त करना पड़ेगा अनन्या, अपनी मंजिल को हासिल करना है तुझे। क्या हुआ, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं नहीं नहीं, आंख में कुछ चला गया था। अरे एक मिनट एक मिनट, रुको। लोग भी यहीं हो? हम तो यहाँ पे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम माँ ने फूल लाने के लिए भेजा था, तो इसके लिए। अच्छा ले लो फूल। सुनी भी आ गई।
आप लोग एक काम करो, आप लोग बातें करो, हमें घर जाना है, घर जाके हम खाना बनाते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमारी पत्नी पहली बार हमारे साथ बाजार आई है, एक फोटो तो बनती है। सोनी एक फोटो खींचो जरा हमारी। अरे बीवी जी थोड़ा पास आइए। एक मिनट सुनी, बीवी दोनों की है तो फोटो भी दोनों के साथ ही होनी चाहिए। क्यों? हो गया, अब चलें। सुनी फोन दो, फोटो देखना हमको। फोन में तो आदर्श भी और उस लड़की की फोटो है। वो भैया मोबाइल में बैटरी नहीं है और हम आपको घर पे जाके सेंड कर देंगे ना, अभी चलो। ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो रही है? हमने कहा ना फोन दो हमें, लाओ। अरे सोनी दिखाओ। जरूर सोनी के फोन में कुछ ऐसा है जो वो गर्व और शक्ति से छुपाना चाहती है, पर हम कैसे रोकें इन दोनों को? क्या हुआ? ये तो बहुत खून निकल रहा है। तुम एक मिनट रुको, हम बैंडेज लेके आते हैं। ये देखिए बाबू, यही वो सच है जो बाजार में हम अपने भाइयों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब बड़े ठाकुर ने छुपकर शादी कर ली? हाँ भाभी, भावना नाम है इनका, और यही वो राज है जो आदर्श भैया ने आज तक हम सबसे छुपा के रखा। और इतनी बड़ी बात उन्होंने सासू माँ से इसलिए छुपाई क्योंकि वो भावना को महफूज रखना चाहते थे। का मतलब बड़े ठाकुर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अब हमें समझ में आया भाभी, एक ठाकुर के सीने में दिल कहां से आया। हम इस कमरे में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि माँ चाहती थी, हम नहीं। हमारे बीच जो भी ये बात हुई ना इस कमरे में, वो इस कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगी भाभी? क्या आप आदर्श भैया को जाके ये बताएंगे कि आप उनकी शादी का सच जानती है ताकि वो आपका साथ दे सके? कभी नहीं भाभी, ये तो ब्लैकमेल हुआ। सासू माँ के पांचों बेटों को अपनी तरफ करने के लिए अगर हम ये सब करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? भाभी जिंदगी भर भी अगर आप इस हवेली में रहेंगे ना तब भी आप बिंदिया माँ जैसी नहीं बन सकती।
ये राज अब सिर्फ हम तक रहेगा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम बड़े ठाकुर और भावना की जान मुश्किल में नहीं डालेंगे। फिर अब आप क्या करेंगे? आप कैसे आदर्श भैया को अपना साथ देने के लिए मनाएंगे? अपने तरीके से। बड़े ठाकुर के लिए सबसे खुशी की बात तब होगी जब उनकी पत्नी भावना जिंदगी भर के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अब करना क्या चाह रही है? कुछ ऐसा जिसे सासू माँ बिना किसी विरोध के भावना को इस घर की बहू स्वीकार कर ले। तब जाकर बड़े ठाकुर को यह समझ में आएगा कि बड़े से बड़ी जंग बुराई से नहीं अच्छाई से भी जीती जा सकती है। तब जाकर उनको यह एहसास होगा कि उनकी माँ कितनी गलत है और भाभी सही मायनों में ये सासू माँ की हार होगी और हमारी जीत।